स्वागत करुच्छे दशम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री माने आज आम आलोचना करवा 50 क्वेश्चन जहाँकि तुम एस ए वन समेटिव आसेसमेंट वन आसवाक जाऊँगी बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न गुड़िक इंग्लीश विषय रचाशी प्रश्न तुम सिमिलारिटी मेन्टेन कर तुम जो एस ए वन परीक्षा आसूसी तेणु भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रथम रु शेष जाए भिडियोटी देख एनसर गुड़िक जान एनसर कह सहित विभिन्न प्रकार ट्रिक कहबी ए तुम्हें पिला सहित तुम सांग सहित यहाँ सेयार कर जापारे देखिपर एवं एग्जाम प्रिपेरेसन करें। प्रथम प्रश्न रही ह्वेन लेंचो काउंटेड द मनी इनसाइड द लेटर फ्रॉम गॉड ही फेल्ट डैश जितेबले लेंचो मनी जिते पासिला पाइला से जिते काउंटिंग कला जो लेटर भितर जो मनी रही जहाँकि गॉड को पाखु आसीला से कौन अनुभव कला ये आपंकर टेरिबली एंग्री दैट गॉड कैंट हैव मेड ए मिस्टेक भगवान भूल कर एवं गॉड केबे मना कर रिक्वेस्ट करा ऑप्शन डी अच्छे सबगुड़िक ठीक बोली किंतु ये आपंकर से देखला पैसा कम अच्छी सी 100 पेसोस मांगी कि पाखे ओनली 70 पेसोस पहुँची से बहुत जोर रागि जाइए अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही आपंकर राइट आंसर तुम मानकर ए ही हम राइट आंसर। तापर जा नंबर टू प्रश्न को नंबर टू प्रश्न रही इन हिज सेकेंड लेटर लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम गैस पेसोस जिते से सेकेंड लेटर लिखी था प्रथम केते पाई ना 100 मागी केते पाई ना 70 पाई तार सेकेंड लेटर से लिखी था केते पाइबापी तार बाकी पाइबापी के ना 30 पाइबापी ओके 30 पाइबापी ही से लिखी था तेने यार एनसर तुम कौन ठीक हो ना ऑप्शन नंबर सी ही तुम राइट आंसर हो जाके। तापर जा क्वेश्चन नंबर तीन को क्वेश्चन नंबर तीन अच्छी कि हु रीड लेंचोस लेटर फास्ट प्रथम लेंचोर लेटर को किए पढ़ा लेंचोर लेटर को प्रथम किए पढ़ा प्रथम लेटर को ना पोस्टमैन पढ़ते ना पोस्टमास्टर जनरल पढ़ते ना पोस्टमास्टर पढ़ते ना पोस्टमास्टर एम्प्लॉय पढ़ते ये ही प्रथम किए पढ़ते ना पोस्टमास्टर ही पढ़ते ऑप्शन नंबर तीन रनसर हो सी ओके। तापर जामें चार नंबर प्रश्न को व्हाट डीपली पेंड गांधी गांधी को मानने गभीरतम भाव मानने गभीर भाव में मानने कौन कष्ट कौन होता कौ घटना डीपली पेन कराई ओके ये तुम एनसर अच्छे कंपलसरी एक्सरसाइज जो कंपलसरी एक्सरसाइज रखाई था जिमनास्टिक एवं क्रिकेट ता पेन कराई ना मेरीटिंग ए रिव्यूक जो मेरीटिंग ए रिव्यूक जो रही है सेटा पेन कराई ना कनभिक्टेड अफ लाइंग मिछरे जो दोषी होते से करा ना कौटी मन भितर ताकर हूँ मेरीटिंग ए रिव्यूक यहीटा ही बेसी पेन करपर जा पांच नंबर प्रश्न को पांच नंबर प्रश्न रही ह्वाट डीड गांधी माइंड भेरी मच व्वेन ही रिसीव्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट एट स्कूल जितेबाला गांधी शारीरिक दंड पाइले स्कूल ओके कौ क्षेत्र कौ कथापी बेस माइंड करते ऑप्शन गुड़िक अच्छी तो हेडमास्टर्स रियूड बिहेवियर टुवर्ड्स हिम हेडमास्टर रियूड बिहेव प्रति से ही माइंड करते ना द टीचर्स कनसीडरींग इट एज इज डेजर्ट है कि कौन सी प्रकार टीचर कनसीडरेसन कले ना से भूलटा कर ऑप्शन नंबर सी रही द टीचर्स क्रुएल्टी टू बॉय जो मैंने कौन टीचर शिक्षकों क्रुएल्टी रूप हिंस रूप पुओ पा प्रति से नहीं जे फादर्स अनहैपिनेस हुई थी बापा खुशी हेले ना खुश हेले एनसर आपंकर तुम मानकर कौन ना बी हो राइट आंसर अर्थात टीचर डेजर्ट रे कौन कौन से प्रकार कनसीडरी पाइले जे मैंने कौन पूरा टोटाली प्रति निर्दय भाव प्रकाश कले से तापर जा छ नंबर प्रश्न को छ नंबर प्रश्न छ नंबर प्रश्न कौन हु वाज द हेडमास्टर ऑफ गांधी गांधी हेडमास्टर किए थे यहाँ आम जानते छ गांधी हेडमास्टर किए थे बोली सी हूँ दुराबजी ईदुलजी दिजिमी ऑप्शन नंबर बी हो राइट राइट आंसर। तापर जा सात नंबर प्रश्न को हाउ मेनी स्टेट्स डज नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंप्रोमाइज ऑफ तले केतोटी स्टेट कंप्रोमाइज करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेवेन सिस्टर वन ब्रदर दैट इज सिक्किम एंड टोटाली ऑफ एट स्टेट आठटी राज्य अच्छे ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तापर जा नेक्स्ट प्रश्न को नेक्स्ट प्रश्न रही आठ नंबर पचार ऑन व्हिच ओकेजन डू पीपुल लाइट लैंप्स एंड प्रे टू गॉड फॉर ए थ्राइविंग हार्वेस्ट सीजन हार्वेस्ट सीजन रो जो सीजन लगे से लैंप को लाइटिंग करें भगवान को प्रार्थना करें ता है तुम ऑप्शन नंबर डी अर्थात कुंगाली ओकेजन लोक मैंने यहाँ करें।
तापर जीवा नंबर नाइन को। नंबर नाइन रही नेम टू एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेटेड इन द डांसर्स परफॉर्म्ड ड्यूरिंग सम ऑफ द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन त्रिपुरा। त्रिपुरा रे किसी फेस्टिवल्स रही जहाँ किसी एक्टिविटीज अच्छी क्यों एक्टिविटीज ता भितर पालन कराए थाए। एठी आई जीवो तुम्हारा हंटिंग फूड गैदरिंग अच्छी हंटिंग सिंगिंग सिंगिंग डांसिंग ब्यूटी बीटिंग ड्रम्स एंड सिंगिंग। एठी होची ऑप्शन नंबर ए ही जीवो राइट आंसर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग हंटिंग करिबा एवं फूड गैदरिंग करिबा है जीवो राइट आंसर। तापर जीवा दस नंबर प्रश्न को। दस नंबर प्रश्न रही मेनी ऑफ द फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बेस्ड ऑन जो बहुत गुड़िया फेस्टिवल रही जहाँकि कहा ऊपर पर्यवेक्षित होता है साधारणतः कहा उपर पर्यवेक्षित होता है ना ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर उपर पर्यवेक्षित होता है अर्थात तांकर सब कृषि उपरकू नहीं तांकर से फेस्टिवल को करी था जेते बेले बुनी था सेते बेले तांकर फेस्टिवल होता है जेते बेले अमल करी था सेते बेले भी फेस्टिवल हे थाए। तापर जीवा परवर्ती प्रश्न को एगार नंबर। एगार नंबर प्रश्न रही हुई सीजन ऑफ द ईयर इज रिफ्लेक्टेड इन दिस पोएम द सॉलिटेरी रिपर। सॉलिटेरी रिपर रे गोटे पोएम कथा कह सॉरी गोटे सीजन कथा कह सीजन क्यों सीजन कथा कह ऑटम सीजन कथा कह ऑटम ओके। तापर जीवा आम बार नंबर प्रश्न को। बार नंबर प्रश्न रही द पोएम द सॉलिटेरी रिपर हाज ए टच ऑफ जो पोएम रही सॉलिटेरी रिपर केउटा अंश विशेष तार हूँ टच ऑफ सैडनेस अर्थात दुखित भाव से गीतट को गाँच बोली जहाँकि कवि एटी अनुभव करें। नंबर तेर को जीवा हु डज वर्डसवर्थ कंपेयर द सॉलिटेरी रिपर टू अर्थात सॉलिटेरी रिपर को क्या सहित कवि तुलना कर क्या सहित कवि तुलना करना कुकु सहित एवं नाइटिंगेल सहित बुथ कुकु एंड नाइटिंगेल सहित तुलना करके। नंबर चौदह को जीवा नंबर चौदह प्रश्न रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थीम ऑफ द गाल सॉन्ग। गाल रो सॉन्ग भितर ये जो थीम चारिटी ऑप्शन देछि सेटा केउटी थीम नुहे केउटी थीम नथिला यार आंसर हो जीवो कौन ना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ हर लाइफ तार से जीवन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विषय से कही ना से कही अनहापी कथा जहाँकि बर्तमान सुधा ता सहित घटी आसी जो बहुत दिन पुराणार अतीतर बैटल फाउट कथा कह जा फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे आजिकल दिन फेमिलियर मैटर कथा कवि अनुभव किंतु ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कथा से अनुभव करना ओके। नंबर पंदर को जीवा पंदर नंबर प्रश्न रही हुआ डू द टायर्ड ट्रैवलर्स टेक रेस्ट जो टायर्ड ट्रैवलर अच्छा क्लांत होता ट्रैवलर पथिक अच्छा सेठार विश्राम नहीं था विश्राम नहीं था ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर इन द ओएसिस अमंग द अरबियन डेजर्ट्स ओके। ओएसिस जो रही जोटा कि आप कौन कहते ना अरब सॉरी मरु मरु अंचल जो मरु सगर रही है से तारी पाखे ही कौन रेस्ट नहीं ओके। तापर जीवा षोह नंबर प्रश्न को। षोह नंबर प्रश्न रही द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज रिटन बाय ये जो ब्राइट एंड ब्यूटीफुल विषय किए लिखिं सी लिखिं सी एफ आलेक्जेंडर ये विषय को लिखिं। सत नंबर प्रश्न को जीवा डैश ऑफ द फ्लावर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल क्यों फ्लावर कथा वर्णना करल थिंग्स ब्राइट एंड ब्राइटफुल क्यों प्रकार फूल कथा वर्णना कर एठी ओपनिंग अच्छी क्लोजिंग अच्छी विदनिंग हम एवं नन ऑफ दिज अच्छी तेल सत नंबर आंसर कौन हो सत नंबर आंसर हम ऑप्शन ए ओपनिंग ओपनिंग ऑफ द फ्लावर कथा डिस्क्राइब करा जाइछि। नंबर अठर को जीवा अठर नंबर प्रश्न रही वी गेदर रसेस बाय द डैश वी गेदर रसेस बाय द आंसर कौन ऑप्शन ए अच्छी वाटर पॉन्ड रिवर एंड लेक एठी हो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर वाटर वी गेदर रसेस बाय द वाटर। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। उन्नीस नंबर प्रश्न उन्नीस नंबर प्रश्न रही व्हाट डू वी सी इन द ग्रीन वुड आम ग्रीन वुड रे कौन देखती एनिमल देखती ट्रीज देखती बार्ड्स देखती बा किसी देखती ना यार आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेंगे डेंगे गछ आम देखी था ग्रीन वुड रे ओके। तापर जीवा कोड़े नंबर प्रश्न को गॉड हाज गिवन अस आइज टू सी गॉड आमको आखि दे देखापी कौन देखापी देती ना मेडोज टॉल ट्रीज ब्यूटीफुल क्रिएशंस ब्यूटीफुल बार्ड्स कौन देखा आमको देती कोड़े नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिज ब्यूटीफुल क्रिएशन तांकर सुंदर सृष्टि देखापी आमको आखि देपर अच्छे वन ऑफ तिमोथी फेवरेट अम्यूजमेंट्स वाज टू स्टक गोटे तिमोथी गोटे फेवरेट अम्यूजमेंट थी पछपटे छकिक रहा से ना महमूद को मंग्रेल पपी को टोटू एंड मंकी को ना द राइटर को एक नंबर आंसर हो कौन ना ऑप्शन नंबर डी हो राइटर को पचरे से कौन छापिकी रही था ओके राइटर हो रहा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
आई नो आई रियलाइज हि इज नो लंगर माइंड द स्पीकर हियर इज एक किए कही आई नो आई रियलाइज हि इज नो लंगर माइंड एक किए कही ना कवि सरी लेखक ग्रैंडफादर कहते ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तापर जी आम 23 नंबर प्रश्न को द नियरेस्ट जू वाज ड्यास अवे फ्रॉम ग्रैंडफादर्स हाउस जो नियरेस्ट जू रही ग्रैंडफादर हाउस ठारु केते दूर रे ता हाउची 320 किलोमीटर केते दूर रे 320 किलोमीटर अर्थात आम जब कह 200 माइल दूर रे ओके 200 माइल बा 320 किलोमीटर। हुआर अकॉर्डिंग टू द जू कीपर हार द टाइगर दैट ग्रैंडफादर वाज स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग बीन ट्रैप्ड ए मंथ बिफोर ओके जो 24 नंबर प्रश्न रही कि केउठारे जू कीपर अनुजाई जे टाइगर जोड़ा ग्रैंडफादर ताको छाड़ी के जाइथिले जहाँ कि कौन करथुला ना स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग बीन ट्रैप्ड ए मंथ बिफोर गोटे मस पूर्व से धरा पड़े जहाँ सहित ग्रैंडफादर लगुले यार एनसर कौन हो एक केउठारु आसी बोली सेटा कुआ जाइछि 24 नंबर एनसर 24 नंबर ऑप्शन गुड़ी को कौन अच्छी ना इन द फॉरेस्ट इन द हिल्स द ड्राइंग रूम महमूद्स रूम एटा कौन हम 24 नंबर एनसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात इन द हिल्स ओके इन द हिल्स रु सेटा धराई के आसी ओके। व्हाट वाज द एज ऑफ टिमोथी व्हेन ही डायड जेतेबेले से मरिला टिमोथीर बयस केते हेतिला ओके टिमोथीर बयस केते हेतिला 25 नंबर आंसर हो जीवो कौन जत्ते बेले 6 मास हो गला ताकु नेके छाड़ी दिया गला जोरे ओके तेणु तार केते बयस हेतिला ना 6 मास परे जाइथिले 1 इयर हो जाइथिला ओके 1 इयर हो जीवो राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न देखिबा व्हाट वाज द एज ऑफ टिमोथी व्हेन ही डायड जेतेबेले से मृत्युवरण कला केते बयस हेतिला ताकु 10 मंथ्स हेतिला ओके 10 मंथ्स हेतिला मन रखिबे 10 मंथ्स हेतिला 6 मंथ्स से छाड़ी थे 4 मंथ्स पर सी जाते पुणी अगेन से 10 मंथ्स होता टेन सरी 6 मास पर जाते कि 2 मास पूर्व सी मरी जाता जितेबाला ताको जूरे छड़ाला से कत 6 मंथ होता तापर लेखक जेजेबापा केत मास पर 6 मंथ्स पर गले 6 मास गला कत वर्षे है कि से 2 मास पूर्व मरी जाता अर्थात कते से 10 मंथ्स ही मृत्युवरण करा ओके। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को 26 जो प्रीवियस रे मु कह देथिली भूल हो जाता 1 इयर ही होता है 10 मंथ्स ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। 26 नंबर को जीवा द बेगर इनफर्म्ड सेरगेई दैट ही लॉस्ट द जॉब ऑफ द टीचर थ्रू डैश ओके जे द टीचर जॉब जो लॉस करितला सेटा कहा माध्यम लॉस करितला दैट इज इंट्रिग्यूस इंट्रिग्यूस मींस खळ प्रकृति लोकों को पाई हला कि षडयंत्र रो शिकार हे कि ओके नंबर डी हे जो राइट आंसर। तापर जे नंबर 27 को हुआर हेड सेरगेई मेट द बेगर ऑन डे बिफोर यस्टरडे जो डे बिफोर यस्टरडे रे सेरगेई बेगर को केउठारे भेटिदिला केउठारे भेटिथिले ना ऑप्शन नंबर बी ही जो राइट आंसर सद्भय ट्रेस्ट स्ट्रीट रे सद्भय स्ट्रीट रे ताकु भेटिथिले। तापर जीवा 28 नंबर प्रश्न को व्हाट मेड द बेगर स्टॉप ड्रिंकिंग बेगर को कौन ताकु माने ड्रिंकिंग स्टॉप ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग रु बंच माने कौन पीबार ताकु कौन बंद कर देथिला डॉक्टर का एडवाइस ना उल्गार काइंड वर्ड्स एंड नोबल डील्स ना सेरेगेर एंगर ना रूसियन रो कोर्स मिसबिहेवियर ओके एटा आपनकर नुहे डॉक्टर एडवाइस के बेले से जाइने मिसबिहेवियर भी नुहे सेरेगे भी रागी नै एटा ऑप्शन नंबर बी हबो उल्गार काइंड वर्ड्स एंड नोबल डील्स पाई ओके ऑप्शन नंबर बी हेजो राइट आंसर। तापर जीवा 29 नंबर प्रश्न को सेरेगे फ्लूज्ड एंड टर्न फ्रॉम द रिएक्ट क्रिएचर विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डैश ओके 29 ला आंसर कौन है जीवो आंसर है जीवो देखो से कौन पचार छी ना सेरेगे फ्लॉस्ड एंड टर्न फ्रॉम द रिएक्ट क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डैश एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट ला विरक्ति भाव प्रकाश करबा ओके रागी ना कौन कौन के विरक्ति भाव प्रकाश करबा। नंबर 30 को जीवा सेरेगे कंसीडर्स लॉस्कोप टू बी हिज डैश सेरेगे कंसीडर करे लॉस्कोप को कोउ भली ग्रैंडसन भली सन भली गॉडसन भली ग्रेटसन भली ओके कोउ भली कौ भली लस्कोप को कंसीडर करे ना गॉडसन को भली ओके गॉडसन भली ताको कौन करे ना कंसीडर करता है ए वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज ए क्लाउड इन द शेप ऑफ ए फनेल फनेल भलिया जोटा आसते सेटा को कौन कहती फनेल भलिया जोटा आसते सेटा को हम कौन कहबा हरिकेन साइक्लोन टर्नाडो व्हील विंड सेटा हे जीवो कौन ना व्हील विंड ओके ताको हम कौन कहि परबा सॉरी एटा टर्नाडो हे जीवो व्हील विंड होबने टर्नाडो टर्नाडो हे जो जोटा फनेल आकार एमिते एमिते की एमती टनेल आकार फनेल आकार अर्थात फुलना टाइप रही ओके फनेल से कौन कहते ना टर्नाडो बोली कह जाए ओके ही इज ए पर्सन हु फोर्सेस पीपल टू वर्क हार्ड सब्स्टिट्यूट ए सिंगल वर्ड फॉर द अंडरलाइन पर्सन हु फोर्सेस पीपल टू वर्क हार्ड कौन हो डिसिप्लिनेरियन हार्ड टास्क मास्टर करिकुलम टॉलरेंट एटा कौन हो 32 रे आंसर 32 रे आंसर हो
सी अर्थात हार्ड टास्क मास्टर ताको आमे कहि परबे जे लोकों को माने चाप पकेई के कोन करे काम करे कठिन परिश्रम करे हार्ड टास्क मास्टर आमे ताको कहिबा। 33 नंबर प्रश्न को जीवा 33 नंबर प्रश्न रही छि एवरीथिंग इन द लाइफ इज डैश नॉट परमानेंट। नॉट परमानेंट रो कोन हिजो सिंगल वर्ड इम्परमानेंट। ओके ताको आमे कोन कहि परबा इम्परमानेंट कहि परबा अन परमानेंट हबो नाही। ऑप्शन नंबर बी हिजो राइट आंसर। ओके तापर जीवा आमे 34 नंबर प्रश्न को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द ऑपोजिट ऑफ सम्पचुअस रो अपोजिट कौन हम सम्पचुअस रो अपोजिट कौन आसीज ना एक्सट्राभेगेंट लग्जरियस कैंटी प्लेंटी। सम्पचुअस रो आंसर हो कौन ना 34 नंबर आंसर होकर बी हो स्कैंटी आम कहीपर जोटा कि अभाव। ओके जोटा कि पूरा मानने सर्टेज। ओके अपोजिट हम सम्पचुअस हूँ पूरा प्रचुर यहाँ हो अभाव। तापर जा 35 ऑन दिस डे पीपल विजिट द बिल्डिंग्स हुई आर द बुद्धिस्ट मंक्स लिव। ओके यही दिन में लोक मैंने से बिल्डिंग को जाती जो बुद्धिस्ट मंक मैंने सन्यासी मैंने रुहती ये आम सिंगल वार्ड कौन पकेबा ना द बिल्डिंग्स हुई आर द बुद्धिस्ट मंक्स लिव ये सिंगल वार्ड कौन हो टेम्पल्स चर्चेस मस्क्यूज मोनास्ट्रीज यहाँ हम मोनास्ट्रीज ऑप्शन सी हो राइट आंसर। ओके तापर जा 36 नंबर प्रश्न को 36 नंबर प्रश्न रही मदर टेरेसा इज रिवॉर्ड एज ए सेंट सी सर्व मैनकाइंड। ओके ये आम कौन करवा ये 36 रो किसी देना बोधे ये किसी देना ये आमको मैंने सेम एनसर रमें सेंटेन्स खोल को पड़ो। ओके ये कौन दे मदर टेरेसा हु इज रिव्यूड ये कौन हि इज रिव्यूड एज ए सेंट हु इज रिव्यूड एज ए सेंट सर्व मैनकाइंड ये अच्छी मदर टेरेसा हु सर्व मैनकाइंड इज रिव्यूड एज ए सेंट। ओके मदर टेरेसा हु सर्व मैनकाइंड यहाँ आप ठीक हो देखो ये आप कहीं कमा रही है ये भी कौन है डिफाइन करुच्छे। ओके डिफाइन करुच्छे ऑप्शन नंबर सी हो रईट आंसर। ओके कमार ये व्यवहार प्रपर होती नन डिफाइन हिसाब से रोचे। तापर जा 37 क्वेश्चन को 37 क्वेश्चन अच्छे इफ आई हार्ड सीन यू आई डैश यू टू माई पार्टी मुझे तेजे देखिए मुझे तेज निश्चित भाव डाकबी ये कौन अच्छी ये कौ टेन्स अच्छी ना पास्ट परफेक्ट अच्छी पास्ट परफेक्ट थे एपट सेन्टेन्सटा कौन हो एपट सेन्टेन्सटा उड हाफ्र व्यवहार आसीज ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। ओके तापर जा 38 नंबर प्रश्न को स्वीट्स वे आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश चिल्ड्रेन जो चिल्ड्रेन अच्छे प्लूराल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कथ हो बंटा जा निश्चित भाव में ऑप्शन नंबर सी होमंग चिल्ड्रेन हो राइट आंसर। तापर जा 39 नंबर प्रश्न को ब्रेड इज मेड डैश फ्लोर ब्रेड इज मेड डैश फ्लोर कौन हो मेड फ्रम हो मेड फ्रम कितु जदि गोल्ड फ्लोर कथा देता से अफ होता। ओके कहीं से आपंकर फ्लोरटा ही या कनवर्टेड इंटु ब्रेड एटा से फ्लोर रु ब्रेड है। ओके तापर नंबर 40 को जीवा प्लेस दैट हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ ए पेंटिंग इज। ओके जो प्लेस रे कौन करा जाए क्वालिटी ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ ए पेंटिंग सब्जेक्ट ऑफ ए पेंटिंग ताकू कौन कहते पिक्चरल कहते सीरीन कहते पिक्चर्स क्यू कहते पिक्टोरियाल कहते कौन कहुए ना पिक्चर्स क्यू कहुए। ओके पिक्चर्स क्यू कहुए। तापर जा 41 नंबर प्रश्न को हुएन आई नॉक्ड हिज डोर हि डैश हिज डिनर मुझे जो तार डोर को डिन कली से कौन होती देख एटी से कौन कहे ना पास सिंपल अच्छे जदि सी नॉक्ड कला एटा हूँ गोटे पॉइंट ऑफ टाइम किंतु डिनरटा करवाटा हूँ कौन ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम आसीगले कौन आसीज 41 नंबर आंसर हो वाज हैविंग अर्थात प्रोग्रेस को बुझे ड्यूरेशन को बुझे। ओके वाज हैविंग हो राइट आंसर। तापर जा 42 नंबर प्रश्न को द स्काय इज ओभरकास्ट विथ ब्लाक क्लाउड्स इट डैश रेन ये गोटे रिजिन तुमको देदेला जे ब्लाक क्लाउड्स आकाशे अच्छे ओभरकास्ट कला यहाँ कौन हम यहाँ वर्षा होगाक जाऊँगी वर्षा हम ते अर्थात ये कौन इज गोइंग टू रेन हम ही राइट आंसर। तापर जा आम 43 नंबर प्रश्न को 43 नंबर प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटेड ओपिनियन ये जो स्टेट ऑप्शन गुड़िक अच्छी गोटे ओपिनियन को कौटा सजाऊँगी कटक इज ऑन द महानदी ठीक अच्छे द कोको सिंग्स इन स्प्रिंग ठीक अच्छे हि इज गोइंग टू सेल हिज कार आफ्टर होली ठीक अच्छे द स्टोरी इज अपीयर्स वेरी इंटरेस्टिंग ये आमको कौन पचारे क्यों सेन्टेन्स टी कौन कर ओपिनियन को सोच कि मतामत दौर। ओके मतामत कौटा दौर ना यहीटा ही दौर द स्टोरी अपीयर्स वेरी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी विषय में मतामत दौर यहाँ इंटरेस्टिंग बोली। ओके युवा सब गोटे गुटा कौन ना इनफर्मेसन। तापर जा नेक्स्ट को 44 नंबर प्रश्न को 44 नंबर प्रश्न अच्छी आई अंडरस्टूड हाउ सी फेल्ड मुझ बुझीपारे से कौन अनुभव करुच्ची इट इज ए डैश सेन्टेन्स यहाँ क्यों प्रकार वाक्य
एटी कौन हो ना हाउ गोटे लगी ऑप्शन लगी जाइए जी बेल आप हाउ लगी जाइए तुम मानकर एटा की प्रकार सेंटेन्स होना कम्प्लेक्स अर्थात एटा को ओडिया कहले कौन हो जटिल वाक्य होके जाने नेक्स्ट क्वेश्चन को 45 द जूरी डिवाइडेड ये जो डिवाइडेड वार्ड आसी जा जूरी कमिटी कथा कही थी तेल एटा निश्चित भाव में प्लूराल हो प्लूराल हेले वाज हवा ना कि वाहेज हवा ना है कि एम कौन अच्छे पास्ट कथा कौच कि प्रेजेन्ट कथ देखा प्रेजेन्ट कहते हाफ हम पास्ट कहते वी आर हम तो यहाँ क्या कथ कौन ना यहाँ पास्ट कथ कौन वी आर डिवाइडेड ओके वी आर डिवाइडेड हो रईट आनसर तापर जा 46 को योर ट्राउजर्स ट्राउजर्सटा सब बड़े कौन होता है ट्राउजर्सटा सब बड़े सिंगुलर ना प्लूराल होता है ट्राउजर्सटा सब बड़े प्लूराल ही होता है प्लूराल हेली कौन हो ना ये आर हम नहले हेव आसीज हेज आउ इज रहा एटी आम देखा ये प्रेजेन्ट कथा यूज होने ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर योर ट्राउजर्स आर टर्न तापर जा 47 नंबर प्रश्न को वी हर्ड द बेगर डैश कर्स द रूड बॉय ये कौन हो कर्सटा कौन हो टू कर्स हम कर्सड हम क्यूर्स हम ये कौन अच्छे हर्ड अच्छे गोटे वार्ड कौन अच्छे हर्ड अच्छे आम शुणिलु तेने 47 नंबर आंसर कौन हो सेम सेम ही रोब ये टू टू भार्ब लगे ना ओके तेणु यहाँ कौन हो कर्स ही रोब 48 नंबर प्रश्न को जी हेट ये कौन अच्छे हेट अच्छी हेट लव अच्छी आम कौन रिपीट अच्छी रिपीट हेल्ला कौन लगे 48 नंबर आंसर ऑप्शन ए टू रिपीट आपको लगे टू रिपीट ओके तापर जा नेक्स्ट क्वेश्चन को 49 नंबर क्वेश्चन रही द अटेंडेंट्स हेल्ड ए लार्ज अम्ब्रेला हेल्ड ए लार्ज अम्ब्रेला डैश द चीफ मिनिस्टर से एटा कौन हम तार हेड ऊपर रखुची तेन उभर राउंड इन ऑन एटी कौन आंसर हो सब अम्ब्रेलाटा रोच मुंड मैंने उभर आम कहीपर जदि लगिक एभव होता मुंड छता के लगिक रुहे ऊपर रुहे मझे एयर रुहे तेनालीटा उभर ही हो रईट आंसर ऑप्शन नंबर सी तापर 50 नंबर प्रश्न को जी ही वांड मी डैश स्विमिंग इन द सी से मत वांड करा कौटी ना सी रे समुद्र में स्विमिंग करने एटा कौन आंसर ना एगेन्स्ट स्विमिंग है कि समुद्र में स्विमिंग करने मतलब वांड करते एगेन्स्ट हो तुम राइट आंसर आशा करूँ भिडियो तुम्हारे हेल्पफुल निश्चित भाव में शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर थैंक यू।